स्टार प्लस के ट्रेंडिंग शो परदेश में है मेरा दिल के लेटेस्ट एपिसोड में हुआ था काफी हाई इंटेंसिटी ड्रामा। इस ड्रामे में जहां एक तरफ तो नैना की जान बच गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीर की जान चली गई। और उससे भी मेजर ट्विस्ट ये आया था इस शो के अंदर कि इस हादसे का शिकार किया किसी ने और गुनहगार बन गया कोई और। जी हाँ, जैसा कि आपने परदेश में है मेरा दिल के लेटेस्ट एपिसोड में देखा भी होगा कि कैसे वीर के केस में राघव नैना को बचाते हुए अपना जुर्म कबूल लेता है, या कहें कि किसी और का जुर्म ले लेता है अपने सर, और पुलिस ले जाती है राघव को अरेस्ट करके। इतना ही नहीं, नैना के बार बार पूछने पर भी राघव नैना को चुप रहने के लिए कहता है और अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए भी कहता है। वेल, अब आगे के एपिसोड की जानकारी दे दे तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अब नैना मिलने जाएगी राघव से पुलिस स्टेशन में, और वहीं राघव अपना गुनाह कबूल चुका होगा। लेकिन इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि कैसे हरजीत अब इस बात से हो जाएगी बेहद खुश कि राघव के जेल जाने के बाद अब नैना को बचाने वाला या नैना की रक्षा करने के लिए अब कोई भी नहीं होगा उसके आसपास। और इसी बीच नैना भी ये ठान लेगी कि वो भी वीर के केस के असली गुनहगार को पकड़ के ही दम लेगी। वेल, यहीं तक का होगा ये सस्पेंस से और ड्रामे से भरा एपिसोड। इस सीरियल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट।